हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के ऊपर है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। तो ये है राशन, ये है चावल, और इस चावल को मुझे स्टोर करना है इस ड्रम में। तो मोस्टली यही होता है कि जब हमारे घर का राशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है तो काफ़ी टेंशन होती है कि इसमें कीड़े वगैरह ना पड़ जाएं। तो ये मेरा ही राशन है इतना ज़्यादा, और ये 40 या 45 kg चावल हैं, क्योंकि ये हमारे घर से आया है। और मेरा घर जो है वो काफ़ी दूर है, मैं यहाँ लखनऊ में रहती हूँ, तो मेरा घर जो मेरा गांव है काफ़ी दूर है, तो राशन आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से राशन जो है इकट्ठा आ जाता है, तो चावल को मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ, और इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं रहता है क्योंकि हमारे घर में बस 4 ही जन हैं। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कितने चावल का खर्चा होता होगा। तो ये मेरा अप्रॉक्स कम से कम 7 to 8 month ये मेरा चावल चलेगा। तो 7 to 8 month तक इसको सेफ रखने के लिए मैं कैसे इसको स्टोर करती हूँ चावल को, ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना पड़े और मेरा चावल हमेशा फ्रेश रहे। और तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं दिखाती हूँ अपने चावल को मैं कैसे स्टोर करती हूँ, और मैं इसमें क्या मिक्स करती हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और हाइजीनिक है, जो हम हमारे किचन में ही मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे चावल एकदम सेफ़ रहेंगे, उसमें एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। और जो घुन वगैरह होते हैं चावल में लग जाते हैं, थोड़ा पुराने हो जाते हैं चावल, तो वो कुछ भी नहीं लगेंगे, आपका चावल एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए 1 कटोरी के मस्टर्ड ऑयल है, इतना तो लग ही जाएगा, हो सकता है मुझे और थोड़ा सा लगे। तो इसको मैं मिक्स कर करके, थोड़ा थोड़ा चावल लेके मिक्स कर करके मैं इसमें स्टोर करूँगी। और मैं कैसे मिक्स करके स्टोर करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और थोड़ा सा आप लोगों को खर्चा तो करना ही पड़ेगा इसमें मस्टर्ड ऑयल में, तो आप लोग समझ ही सकते हैं मस्टर्ड ऑयल हमारे घर में ही किचन में ही मिल जाएगा, और ये बहुत ही हाइजीन है, इससे कोई भी खतरा वगैरह नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग कोई दवा वगैरह डाले उससे थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं हम लोगों को नुकसान करे, और मस्टर्ड ऑयल ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को नुकसान भी नहीं करेगा और हमारे चावल को तो सेफ रखेगा ही। तो इसमें इतना थोड़ा सा तो खर्चा कर ही सकते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल मिक्स करके हम अपने चावल को करेंगे स्टोर। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा चावल, और इन चावल को अब मैं इसी ड्रम में करूंगी स्टोर। और मैं क्या मिला रही हूँ वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल, या एक आप डोंगा ले सकते हैं, और उससे चावल मैं इसी ड्रम में डाल रही हूँ, क्योंकि बड़ा बर्तन रहेगा तो चावल जल्दी जल्दी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 से 4 ड्रम ले लिए हैं, यानी कि 2 से 3 किलो चावल होंगे, और उसमें 2 से 3 चम्मच ही मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने, और उसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, खूब रगड़ रगड़ के इसको मिक्स कर देंगे, बस ये हो जाएगा। और इसी प्रोसेस से फिर हम 2 से 3 डोंगा जो है बाउल फिर चावल डालेंगे, और फिर उसके बाद मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, और फिर उसको मिक्स करेंगे। तो सेम प्रोसेस से ही हमको ऐसे एक बार मिक्स कर लें, फिर 3 से 4 बाउल आप चावल डालें, फिर 2 से 3 चम्मच उसमें तेल डाल के उसमें मिक्स कर लें, उसके बाद फिर उसी के ऊपर जस्ट फिर 2 से 3 डोंगा डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज़्यादा मत डालें कि अच्छे से हमारे चावल मिक्स हो जाएं। अगर आप ज़्यादा इकट्ठे 4 से 5 किलो चावल डाल देंगे तो उसमें मस्टर्ड ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा चावल डालें और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दें और उसको मिक्स कर लें। और तुरंत अगर आप देखेंगे तो आपको चावल बहुत ही ऑयली दिखेगा, बट ये फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद या 1-2 दिन के बाद ये पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है चावल, और चावल बहुत ही अच्छा बनता है। इससे इसके टेस्ट में, इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके चावल जो है काफ़ी दिन तक सेफ़ रहेंगे। ये समझ लीजिए कि 1 साल तक भी आपके चावल ख़राब नहीं रहेंगे, अगर 1 साल तक अगर आपका चावल चल जाता है तो भी आपके चावल बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, उसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा ड्रम जो है मेरा चावल से भर गया है, और पूरे चावल को मैंने ऐसे ही सेम प्रोसेस से मिक्स कर करके मस्टर्ड ऑयल और मैंने स्टोर कर लिया है। और यहाँ आधी बोरी के चावल करीब बच भी गया है, क्योंकि छोटा पड़ गया था ड्रम और चावल बहुत ज़्यादा थे, तो मैं इसे किसी दूसरे कंटेनर में इसी तरह मैं इसको
मस्टर्ड लगा लगा कर इसको मैं स्टोर कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही हाइजीन तरीका है, इससे आपका चावल बहुत ही हाइजीन रहेगा और कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेंगे और इससे कोई भी खतरा नहीं रहेगा। जनरली यही होता है ना कि हम लोग कोई दवा वगैरह अगर डालें तो थोड़ा सा डर रहता है, डाउट रहता है कि कहीं हम लोगों को नुकसान ना करे, बट ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। आप थोड़ा सा ही चावल लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, थोड़ा सा डाउट हो कि इसमें इसके टेस्ट में कोई असर पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा चावल लेके और इसको स्टोर करके देख के खाइएगा ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।